आज मैंने एक ऐसा ग्लिच फाइंड कर लिया था माइनक्राफ्ट वाले में, जिससे मेरे पास इतने ज्यादा नंदे हाइट हो गए थे जो कभी खत्म नहीं होने वाले थे। तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में आप लोग एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप लोग पास अनलिमिटेड नंदे हाइट हो जाएंगे, जिससे लोग चाहे तो 10 से भी ज्यादा नंदे हाइट भी बना सकते। तो गाइस चलिए मैं आप लोग को वो ट्रिक बताता हूँ। तो आप लोग को पता होगा कि नेदर हाइट फंड करने के लिए नेदर में जाना पड़ता है, एंड देखिए ना मैंने कितना बड़ा नेदर पोर्टल बनाया। कमेंट बता दीजिए कैसा लगा नेदर पोर्टल, मैंने तो पूरा कोशिश की अच्छा बनाने का। एंड चलते हैं नेदर में हम लोग, एंड पता ही होगा कितना समय लगता है नेदर में जाने में हम लोग को। 20 minutes later. तो गाइस हम लोग नेदर में आ चुके हैं, एंड गाइस आप लोग देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे एक ब्रिज बनाया। हम लोग को इधर नहीं जाना, हम लोग को पोर्टल के दूसरे साइड जाना है। एंड आप लोग कहीं भी पोर्टल बनाएंगे अगर यहाँ पे स्पॉन होंगे तो आप लोग मैंने कॉस्ट देख लीजिए, आप लोग यहाँ पे आ जाएगा। एंड यहाँ पे आप लोग एक ऊंचा सा पहाड़ जैसा कुछ मिलेगा तो आप लोग इसके नीचे जाना है। एंड देखिए ना मैंने यहाँ पे कितना ब्लॉक लगा दिया, वो भी एक सिंगल प्लेयर वर्ल्ड में। इतना तो लोग मल्टीप्लेयर वर्ल्ड में नहीं लगाते जितना मैंने अकेले सिंगल प्लेयर वर्ल्ड में लगा दिया। एंड हम लोग को यहाँ से वो चाहिए, एक नेदर हाइट स्क्रैप एंड कुछ गोल्ड चाहिए जिससे हम लोग नेदर हाइट बना लें, क्योंकि उसकी रेसिपी यही होती है नेदर हाइट बनाने की। हम लोग को एक चाहिए होता है स्क्रैप नेदर हाइट का एंड गोल्ड, जो कि हम लोग इजिली एक जगह से ले लेंगे, जो कि है बेसन। एंड आप लोग को सामने तो मैं दिखाई देता हूँ वो रहा बेसन, अब आप लोग को दिख ही रहा होगा, लेकिन अभी नहीं दिख रहा, अब दिख रहा होगा। ये देखिए ये रहा बेसन, हम लोग को यहाँ से स्क्रैप भी मिल जाएगा एंड गोल्ड भी मिल जाएगा। एंड यहाँ पे मैं ब्लॉक लगा के आया हूँ, देख रहे हैं कितना मैं प्रो बनने की कोशिश में हूँ। वैसे मैं प्रो नहीं हूँ, कोई बात नहीं, प्रो बन जाऊंगा। एंड यहाँ से हम लोग ऊपर से चलते हैं, मैंने स्क्रैप फोल्डिंग यूज़ किया ऊपर जाने के लिए। आप लोग कोई भी चीज़ यूज कर लीजिएगा, मुझे अच्छा लगता है स्क्रैप फोल्डिंग, जल्दी हम लोग चले जाते हैं। एंड आप लोग को यहाँ पे मिलेगा डबल चेस्ट, एंड आप लोग को दूसरे साइड में मिलेगा, लेकिन आप लोग को यहाँ आना है क्योंकि यहाँ पे हम लोग को मिलेगा ये सबसे रेयर चीज़, वो है कि स्क्रैप नेदर हाइट स्क्रैप। एंड यहाँ पे एक और खास चीज़ है जो कि है ये जूते, इस पर लगे हैं सोल स्पीड 2, इसलिए मैं तो इसको रख रहा हूँ। अगर आप लोग को भी रखना हो तो आप लोग भी रख लीजिएगा। एंड यहाँ पे आप लोग इस प्राणी को देख रहे हैं, इस दरिंदे को, इसके 20 हार्ट होते हैं एंड आते ही अटैक करने लगता है जैसे कुछ चेस्ट खुलते हैं, इसको तो मैं मार के जाऊंगा। तो गाइस हम लोग यहाँ से नीचे उतरने के लिए बोर्ड क्लच करने वाले थे लेकिन फेल हो गया, कोई बात नहीं, अब हम लोग गोल्ड की तरफ चलते हैं। एंड आप लोग ये देख रहे होंगे इतना बड़ा सा वो है बेसन, हम लोग इसके इसमें जाना है, इस बीच वाले हिस्से में। ये देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने लावा नहीं बंद किया, मैंने सब जगह बंद कर दिया, बस यहीं पे भूल गया बंद करना, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास ब्लॉक्स तो आए, लेकिन वो भी धूप की बात है, मेरे पास वुड है जो कि अभी लगते ही जल जाएगा, मैं यही कहने वाला था, जल भी गया। एंड इधर चले जाते हैं, इधर से नहीं लगेगा, लेकिन मुझे आग लगी क्या, जिस चीज़ का डर था वही हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम लोग को इसके एज में जाना है जहाँ पर हम लोग को गोल्ड बिल्कुल नहीं मिलेगा, हम लोग को इसके थोड़ा सा ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो जो हम लोग थोड़ा सा ब्लॉक लगा के ऊपर चढ़ जाते हैं, एंड अभी बस और थोड़ा सा ऊपर चढ़ना चलते हैं। एंड आप लोग को तो देख ही गया होगा, एंड इधर से देखिए ये गोल्ड है, आप लोग को उसी को माइन करना है, इस वाले गोल्ड को। मैं भी माइन कर लेता उसको फटाफट से। हम लोगों ने इस गोल्ड को भी तोड़ लिया, इससे भी ले लेते जो नीचे गिरा। एंड चलते हैं अपने घर की तरफ सीधे, जिधर से आए उधर ही जाना है। एंड हम लोग ऊपर से जाएंगे, इधर का देखने का इधर कोई लावा नहीं है, इधर मैंने पूरा बंद कर दिया था, दो तीन दिख रहे होंगे एंड आप लोग को बहुत ज्यादा दिखेगा। एंड यहाँ से एक और बार मैं ट्राई करने वाला हूँ बोर्ड क्लच, एंड नहीं हुआ, बहुत दुख की बात है, मुझे क्लच नहीं आता। मैं भी थोड़ा नूब हूँ लेकिन मैं प्रो बनने की कोशिश में हूँ, जल्दी बन जाऊंगा। एंड चलते हैं अपने पोर्टल के पास जल्दी से। तो गाइस हम लोगों ने पोर्टल के पास लगभग पहुंच चुके हैं, एंड ये रहा हम लोग का पोर्टल। एंड चलते हैं ऊपर फटाफट से हम लोग, एंड अब हम लोग को बस ओवरवर्ल्ड में जाना है जहाँ मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा जिससे लोग बस अनलिमिटेड नेदर हाइट होगा। एंड आप लोगों को पता ही है कितना समय लगता है ओवरवर्ल्ड में जाने में। 6 hours later. तो गाइस हम लोग ओवरवर्ल्ड में पहुंच चुके हैं, एंड आते ही आग लग गया, मैंने इसको डेकोरेट करने के लिए आग लगाया था एंड ये मुझे ही आग लगा रहा है। पहले मैं इसको बुझा देता हूँ नहीं तो मुझे बहुत परेशान करेगा ये। एंड अब हम लोग उस ट्रिक को ट्राई करने के लिए रेडी है, एंड गाइस चलिए ट्राई करते हैं। लेकिन गाइस ये देखिए उससे पहले बारिश आ गई, एंड मैं इसको अपने एक ट्रिक से बुझा दूंगा, मतलब बुझाने मतलब हटा दूंगा। 1 2 3 गाइस ये देखिए बारिश गायब हो गई, ये मेरा जादू ट्रिक है, मतलब बुझाने मतलब इसको गायब भी कर दिया मैंने, ये बस मैं ही मतलब मैं ही किसको कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। एंड गाइस हम लोग को इस पहाड़ पे आ जाना, आप लोग कहीं भी कर सकते हैं, उससे पहले हम लोग को यहाँ पे एक बोर्ड रखना है। एंड कहीं भी बोर्ड रखने के बाद हम लोग को 7 क्यूट कर देना है, मतलब पूरा 7 क्यूट नहीं बस यहाँ से करना है। एंड देन हम लोग का 7 क्यूट भी हो रहा है, धीरे धीरे होगा लेकिन कोई बात नहीं। अब हम लोग को इधर से ये जो हम लोग माय वर्ल्ड इसमें फटाफट से जाना है, इसमें जाने में समय लगता है। एंड गाइस आप लोग को इस चीज़ बता दूँ, जाते ही आप लोग को इसमें बोट में बैठना है, एंड आप लोग को वहाँ पे 1 2 3 4 बोलते ही 4 स्क्यूट कर देना। हम लोग आ गए गाइस, फटाफट से बैठते हैं हम लोग इस पे, एंड अपना इन्वेंटरी खोलते हैं। यहाँ पे जो जो चीज़ें हम लोग को डबल करनी है वो 5 आइटम्स रखने हैं हम लोग को, एंड देन 1 2 3 4 फटाफट से हम लोग 7 क्यूट कर देते हैं, 7 क्यूट नहीं मतलब पूरे 4 स्क्यूट। एंड देन गाइस
हम लोग को फिर से अपना माइनक्राफ्ट खोलना है। एंड पता ही है इसमें भी ओपन होने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन हो जाएगा। एंड गाइस जो जो ट्रिक मैंने बताया उसको ऐसे ही कीजिएगा तभी वर्क करेगा। आप लोग को 4 तक काउंट करना है एंड देन आप लोग को पूरा 4 स्टूट कर देना है, जिससे आप लोग बाहर आ जाएंगे। फिर से आप लोग को माइंड को रिज्वाइन करना है, जो कि मैं अभी कर ही रहा हूँ। एंड आप लोग भी कीजिएगा। एंड हम लोग का ये आ गया, प्ले पर क्लिक करते हैं हम लोग एंड देन वर्ल्ड में एंड जा रहे हैं गाइस। देखते हैं हम लोग का डबल होगा कि नहीं गाइस। एंड गाइस मैं आप लोग को इसमें कोई कटिंग नहीं करने वाला, आप लोगों को मैं पूरा दिखाऊंगा। एंड गाइस मैं इसको पूरा कंफर्म कर सकता हूँ कि मेरा सामान डबल ही हुआ होगा। एंड गाइस इसमें कभी कभी चांसेस होते गायब हो जाए, लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को बताया वैसे आप लोग करेंगे तो आप लोग का सामान कभी गायब नहीं होगा एंड कंफर्म डबल होगा, क्योंकि जो मैं ट्रिक बताता हूँ वो कभी ऐसा होता है नहीं होता है गाइस, पूरा वर्किंग होगा। क्योंकि मैंने इसको बहुत मतलब 1 साल हो गया अभी तक माइनक्राफ्ट में फिक्स नहीं किया एंड अभी तक ये वर्क करता है गाइस। मैंने ट्राई भी किया था एंड मैं आप लोग को भी बता दूँ इस साल लोग पास अनलिमिटेड नेदरहाइट ही नेदरहाइट होगा। एंड गाइस रेडी है एंड उन लोग का लोड हो गया। एंड गाइस देखते हैं उन लोग का डबल हुआ है कि नहीं, बस इन्वेंटरी ओपन करते हैं। एंड गाइस उन लोग का डबल हो चुका है, देखिए गाइस जो जो चीज़ें मैंने रखी तो वही चीज़ें डबल हुई हैं। ये रहा हम लोग का पोशन यहाँ पे, ये उन लोग का 16 गोल्ड ऑफ मतलब ब्लॉक ऑफ गोल्ड एंड ये एंसन डेब्री एंड ये पोशन और ये एक पोशन गाइस, पूरा हम लोग का डबल हुआ है ये चीज़ें। एंड गाइस इसी चीज़ को मैं कुछ अलग लेवल पर डबल करके दिखाता हूँ, जो कि आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। उससे पहले मैं अपना सभी सामान इस चेस्ट में रख देता हूँ कई घंटों के मेहनत के बाद। तो गाइस आप लोग देखने के लिए रेडी गाइस, इतने मेहनत के बाद गाइस वो चीज हो गया। एंड गाइस ये देखिए गाइस इतना सामान डबल हुआ गाइस, मैंने इतना कर दिया गाइस, इसी से मेरे पास इतना ज्यादा रहता था। एंड आप लोग चाहें तो इससे अनलिमिटेड बीकन बना सकते हैं। एंड गाइस आप लोग बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग को, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर आप लोग को और कुछ चीजें भी चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा। एंड तब तक के लिए बाय बाय।